ओके बच्चों, तो शुरू किया जाए। तो आज की क्लास जो है उसमें हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब मन में आएगा, सर लिखा तो और भी है, रिलेटिव डेंसिटी ही क्यों बोले, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेपर डेंसिटी क्यों नहीं बोले? कारण ये है, इसलिए नहीं बोले, एज दीज टू ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटीज आर नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी, बट ये एक स्पेशल टाइप की रिलेटिव डेंसिटी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अनदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो ये कब रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, कब वेपर डेंसिटी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, इनका क्या एप्लीकेशन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सो ऑल दिस वी विल बी डूइंग एंड वी विल फिनिश इट इन वन लेक्चर ओनली। सो लेट्स बिगिन। तो भाई शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले तो रिलेटिव डेंसिटी से। सो लेट्स बिगिन विथ रिलेटिव डेंसिटी। क्या है जरा समझिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, लेट्स सी। बच्चों ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये दरअसल दो डेंसिटीज का रेशियो होता है। नाम ही इसका रिलेटिव, जैसे रिलेटिव मोशन होता है वैसे रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? सो द बेसिक मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, density of one substance, this would be in your numerator, divided by density of other substance, density of other substance। और ये बच्चों जो डिनोमिनेटर में डेंसिटी रखते हैं जिस सब्सटेंस की, सो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रेफरेंस, है ना। तो हमेशा रेफरेंस क्या होता है, जो रेफरेंस होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा नीचे ही आता है। सो ये बेसिकली दो डेंसिटीज का रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई द डेंसिटी ऑफ द अनदर सब्सटेंस विच इज यूज एज रेफरेंस। सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो चलो भाई, एक तो ये बात हुई कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, एक बक्से में बंद कर देते हैं। चलिए साहब, अब कोई पूछे ठीक है सर रिलेटिव डेंसिटी की बात तो एकदम समझ आ गई कि दिस इज जस्ट द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, ओके फाइन। सर नाउ प्लीज टेल अबाउट द यूनिट ऑफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब क्या होगा भाई, अगर थोड़ी सी जानकारी की कमी है तो क्या मन में आएगा, मन में ये आएगा कि सर अगर हम डेंसिटी का यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी तो क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका यूनिट एसआई यूनिट्स में हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी भी सर डेंसिटी का ही भाई होगा या उसी परिवार का सदस्य होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट भी वही होना चाहिए जो डेंसिटी का यूनिट है। गलत बात। अगर किसी को पता है कि रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी नहीं है, वो दो डेंसिटीज का रेशियो है, तो फिर यूनिट कैसे लिखोगे? देखो अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, किसके यूनिट की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी की, आरडी लिखदार, आईडी आरडी में लिख रहा हूं, आरडी का मतलब हुआ आर फॉर रिलेटिव एंड डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा कि न्यूमरेटर में भी केजी पर मीटर क्यूब है ना, और डिनोमिनेटर में भी केजी पर मीटर क्यूब, तो बोथ दीज यूनिट्स विल गेट कैंसल्ड। सो दिस रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मींस यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। लेकिन जनरली गलती क्या हो सकती है, गलती यही हो सकती है कि हमें लगे क्या ये तो डेंसिटी का ही भाई मालूम पड़ता है, तो इसका भी यूनिट क्या करो, इसका भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब ही लिख देते हैं जैसे कि डेंसिटी का लिखते हैं, तो मामला गलत हो जाएगा।
इसका कोई यूनिट नहीं। अब बच्चों क्या है कि ये जो डेंसिटी एक सब्सटेंस की है और नीचे दूसरा जो रेफरेंस है उसकी डेंसिटी है, तो ये रेफरेंस भी बच्चों कई बार निश्चित होते हैं। जैसे से अगर आप सब्सटेंस से योर सब्सटेंस इज लिक्विड, देन जनरली वी टेक वाटर एज द रेफरेंस, है ना। वाटर को हम लोग लिक्विड में रेफरेंस की तरह यूज करते हैं या स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। जैसे से हमारा सब्सटेंस कोई गैस है, कोई गैस की डेंसिटी हमने न्यूमरेटर में यूज की, देन द रेफरेंस इज जनरली वी टेक एज हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है बच्चों, आप कोई भी सब्सटेंस ऊपर कोई भी तो कुछ एग्जांपल्स कर लिए जाए बच्चों, मतलब सेंटेंसेस में लिख रहा हूं तो थोड़ा क्लैरिफाई होगा आपको किस तरह से रिलेटिव डेंसिटी की बात होती है। तो जैसे से फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल हुआ रिलेटिव डेंसिटी, क्यों पूरा लिखें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो जनरली बच्चों ये रिलेटिव डेंसिटी लिखी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिक्विड, है ना। मतलब रेफरेंस यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा, वाटर की डेंसिटी लिखनी होगी। अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बच्चों, आप किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़े जो प्रचलित रिलेटिव डेंसिटीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बात हुई रिलेटिव डेंसिटी किसी गैस की लिखनी है, ऑफ अ गैस, तो जनरली दैट रिलेटिव डेंसिटी वी यूज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, वी यूज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। बट जैसा कि हम लोग अभी सीखे, आप किसी का भी किसी के रेफरेंस में लिख सकते हैं। जैसे बात हुई कि रिलेटिव डेंसिटी लिखिए से ऑफ नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस की रिलेटिव डेंसिटी आपको बतानी है यूजिंग द रेफरेंस से CO2 गैस, से CO2 गैस। तब क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर में अपने को नाइट्रोजन गैस की जो एक्चुअल डेंसिटी है दैट वी विल हैव टू यूज, और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी यूज करनी होगी। तो ये बात हुई रिलेटिव डेंसिटी की। अब रिलेटिव डेंसिटी तो इतना ही सा है, दो डेंसिटीज का रेशियो। अब रिलेटिव डेंसिटी में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, फर्स्ट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकेंड इज वेपर डेंसिटी, सो लेट्स सी देम ऑल्सो। चलो तो पहले नंबर पर देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, क्या मतलब है भाई, बड़ा ये टर्म सुना होगा आप लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, क्या होता है समझो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि कुछ नया नहीं है, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, है तो रिलेटिव डेंसिटी ही, है ना। तो सबसे पहली बात तो उसमें ये लिखी जाए कि इट इज ऑल्सो अ रिलेटिव डेंसिटी, इट इज ऑल्सो अ रिलेटिव डेंसिटी, कुछ नया नहीं है बच्चों। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। क्या एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है बच्चों। तो इस बात को भी चलो हम लोग लिख ही लेते हैं कि इट इज वाइडली यूज्ड, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये जो है इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका बहुत जबरदस्त यूज है। सर होता क्या है ये भी तो बताइए। बच्चों देखो, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दिस वी फाइंड फॉर अ लिक्विड, दिस वी फाइंड फॉर अ सॉलिड एंड दिस वी फाइंड फॉर अ गैस, तीनों के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखने का तरीका अलग अलग है। तो देखो मैं आपको तीनों बताता हूं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पूरा ना लिख के मैं शॉर्ट में काम चला रहा हूं, SG लिखते हैं उसको।
सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे लिखेंगे, तो क्या करना रहता है, तो चूंकि ये भी तो एक रिलेटिव डेंसिटी है तो उस लिक्विड की डेंसिटी रखते हैं न्यूमरेटर में. सो दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. सो दिस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में वी यूज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये एक स्पेसिफिक, यही डिनोमिनेटर लेना है, यही रेफरेंस लेना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को लें तब उसकी जो डेंसिटी आए, दैट डेंसिटी यू विल यूज इन डिनोमिनेटर. तो ये बच्चों फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड. तो यहां पर क्या है, किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखनी है तो डेंसिटी इसका ही रेशियो, लेकिन जो रेफरेंस लिक्विड है वो है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों लेते हैं, कोई और टेम्परेचर क्यों नहीं लेते. बच्चों क्या है कि जनरली आपने पढ़ा होगा वाटर की डेंसिटी, है ना, जैसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर कोई पूछे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है तो जनरली हम लोग याद रखते हैं, सर दिस इज एज यूजुअल, ये तो बहुत आसान चीज है सर, ये तो 1000 kg/m³ होता है, या सर इसी को हम लोग 1 g/cm³ भी लिख सकते हैं, या सर इसी को हम लोग 1 g/ml भी लिख सकते हैं, एज 1 cm³ is 1 ml. ओके, तो यही तो पढ़ते हैं सर, यही डेंसिटी तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो डेंसिटी होती है ना बच्चों, जो आप स्टैंडर्ड हर जगह देखते हैं लिखा रहता है, ये कोई ऐसी वैसी डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी स्ट्रिक्टली 4 डिग्री सेल्सियस पर ही है. तो क्या सर टेम्परेचर बदलने से डेंसिटी बदलती है, बिल्कुल बिल्कुल बदलती है. सर कैसे बदलती है, आइए बताते हैं. देखो टेम्परेचर बदलोगे तो डेंसिटी जरूर बदल जाएगी. तो हम ये जो वाटर की डेंसिटी हर दूसरी जगह पढ़ते रहते हैं कि ये 1000 kg/m³ है, तो ये बच्चों जो डेंसिटी है ना, ये ही 4 डिग्री सेल्सियस वाली डेंसिटी है जिसको कि रेफरेंस के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, है ना, यही रेफरेंस है. तो ये तो हुआ भाई, अभी केवल लिक्विड की बात हुई है. अच्छा और एक बात ध्यान रखें, ये जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही बच्चों हाईएस्ट आती है, कोई और टेम्परेचर करेंगे तो यू विल हैव अ लो डेंसिटी देन दिस, है ना. तो इस बात को भी याद रख सकते हैं कि ये जो वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हाईएस्ट होती है, दिस इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हाईएस्ट आएगा. वैसे टेम्परेचर से इसका जो रिलेशन है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू थ्योरेटिकली, बट आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ये हाईएस्ट आएगा. फिर जैसे जैसे बच्चों तो ये भी जानते होंगे कि आइस, जब पानी से आइस हो जाता है तो डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो वो अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे रिड्यूस होती है. बच्चों अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड के लिए कैसे लिखते हैं भाई. तो एस जी फॉर सॉलिड्स. सो व्हाट इज दिस, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स न्यूमरेटर में रहता है. सॉलिड्स नहीं लिखना चाहिए, सॉलिड ही लिखना चाहिए, क्योंकि किसी एक सॉलिड की बात हो रही है तो उसको हटा देते हैं. ओके, तो जिस सॉलिड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है सो उस सॉलिड की डेंसिटी न्यूमरेटर में, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डिवाइडेड बाई. अब बच्चों देखो ये है तो रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन अब यहां न्यूमरेटर सॉलिड डिनोमिनेटर वाटर ही लेते हैं, तो यहां फिर से सेम रेफरेंस होगा जो कि हमने लिक्विड के लिए यूज किया था. सो दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस.
डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर योर सॉलिड। यहां फिर से वही 1000 केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे एंड वी विल हैव द आंसर फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। नाउ कम टू द थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड दैट इज फॉर अ गैस। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैस वो कैसे लिखी जाती है? तब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि न्यूमरेटर में तो सर इसी की, जिस गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं आप, उसी की डेंसिटी लिख दीजिए। बिल्कुल सही। तो डेंसिटी ऑफ गैस फॉर विच वी आर गोइंग टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी वो तो रहेगा ऊपर, नीचे क्या रहेगा? नीचे बच्चों रखते हैं डेंसिटी ऑफ एयर, लेकिन ये एयर भी कैसी 20 डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए, ये रेफरेंस माना जाता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी गैस। तो इंडस्ट्री में कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं कि हम रेफरेंस में हमेशा एयर को यूज करते हैं विच इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बच्चों ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसको जरा समझें कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो एक मैं आपको फिगर से समझाता हूं, देन यू विल रियलाइज कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बस यही है कि जिन दो सब्सटेंसेस की डेंसिटीज का हम रेशियो लिख रहे हैं तो हमें मेनली यही चेक करना रहता है कि जो नीचे वाला सब्सटेंस है अगर हम ऊपर वाले सब्सटेंस को उस नीचे वाले सब्सटेंस में मिक्स करें या उसमें रखें तो ऊपर वाला सब्सटेंस नीचे वाले सब्सटेंस की अपेक्षा भारी है या हल्का है, या यूं कह लें ऊपर वाला इसमें सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अगर ऊपर वाला सब्सटेंस भारी हुआ, अगर ऊपर वाले की डेंसिटी ज़्यादा हुई बच्चों तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, और ऊपर वाले की डेंसिटी नीचे वाले से कम हुई तो तैरता रहेगा। तो अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से कम है, एक से कम का मतलब क्या हुआ, इट इज लेस देन वन, मीन्स ऊपर वाला हल्का हो गया, ऊपर वाला कम हो गया, तभी ना लेस देन वन आएगा, तो क्या होगा, तो डूबेगा नहीं। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा है, ऊपर वाले की डेंसिटी ज्यादा है नीचे वाले कम, तो डूब जाएगा। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जरा समझे इस बात। तो भाई क्वेश्चन उठा कि एप्लीकेशन सर क्या है इसके, रही भी बता दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या यूज है, क्यों फालतू में चक्कर में पड़े इसके? देखो ये फालतू नहीं, बहुत काम का है। तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो हमने कहा स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू, यही तो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इतना लंबा चौड़ा ना लिख के इसको सिंपल सा d1 बाय d2 लिखते हैं हम लोग, है ना, ऊपर वाले की डेंसिटी d1 और नीचे वाले की डेंसिटी d2। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लिक्विड की या सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं तो जो नीचे वाला सब्सटेंस है वो तो पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें किस किस की, प्यारे बच्चों बात करें हम लिक्विड या सॉलिड की, बात करी जाए लिक्विड या सॉलिड की, क्योंकि दोनों में ही रेफरेंस एक ही है, दैट इज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इफ योर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया कि ऊपर का जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि d1 ज्यादा है d2 कम है। तो डेंसिटी हैवी होने का मतलब हुआ कि कम जगह में ज्यादा मास है,
तो ज्यादा भारी है, ऐसे कह सकते हैं। तो ज्यादा भारी है तो डूब जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है या जो जो सॉलिड है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू सिंक इन वाटर, इसको पानी में डूबना ही डूबना है। अच्छा, एक बात ये हुई। दूसरी बात, इफ द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, इफ द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन वन, देन व्हाट विल हैपन? तो इसका मतलब हुआ कि डी वन छोटा है और डी टू बड़ा है, मीन्स जो नीचे वाला सब्सटेंस है वो थोड़ा ज्यादा भारी है, है ना। डेंसिटी दरअसल बताती क्या है, डेंसिटी क्या बताती है बच्चों? डेंसिटी बताती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो हायर द डेंसिटी मीन्स हायर मासेस इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब भारी होता चला जा रहा है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी प्यारे बच्चों एक से कम हो गई तो नीचे की डेंसिटी ज्यादा हो गई, एंड इफ नीचे की डेंसिटी ज्यादा, नीचे वाला ज्यादा भारी है, ऊपर वाला कम भारी है। लकड़ी पानी में डाल दो, लकड़ी तैरती रहती है, ये लकड़ी की डेंसिटी पानी की अपेक्षा कम है, तब क्या होगा, ये फ्लोट करेगा पानी में। सो दिस इज गोइंग टू फ्लोट इन वाटर। इसका देखो एक और अभी मजेदार एप्लीकेशन है, वो ही तुमको समझाते हैं। पहले इतना करो, अब एयर में भी वैसे ही है। क्या होगा अगर कोई गैस हवा से हल्की है, जैसे हीलियम, तो देखते ना कि उसका गुब्बारा ऊपर चला जाता है, तो वो क्या होगा, ग्रेजुअली इट विल मूव अपवर्ड इन एयर, नहीं तो क्या होगा, इट विल मूव डाउनवर्ड्स इन एयर। बस इतनी सी बात है, उसको भी चलो नोट कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं किसी गैस के लिए, गैस के लिए इसका क्या यूज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। देखो बच्चों, एकदम सेम यूज है क्या, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट द गैस विच इज सब्सटेंस वन इज मोर हैवियर देन सब्सटेंस टू। तो क्या होगा भाई, तो होगा ये कि जो गैस है It moves downwards in air. ठीक, ये तो रही specific gravity greater than one. अब बात हुई कि अगर यही specific gravity एक से कम हो जाए सर, तब क्या होगा? तो एक से कम होने का मतलब यही हुआ कि denominator बड़ा हो गया, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा दैट इज मोर हैवियर। तो अब वो गैस हवा से हल्की हो गई, हवा ज्यादा हैवी हो गई, देन गैस मूव्स अपवर्ड्स इन एयर। सो दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान रहे, अगर हमने कहा d1 ग्रेटर देन d2, इट मीन्स जो सब्सटेंस वन है दैट इज हैवियर देन सब्सटेंस टू, देन इट इज हैवियर देन सब्सटेंस टू। ओके, अब देखो इसका एक और मजेदार एप्लीकेशन आपको समझाते हैं, क्या है समझो ठीक। एक ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका देखो एक और एप्लीकेशन समझो जरा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, हम थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। से फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे बच्चों जो आइस है तो उसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी ऑफ आइस is almost 920 kg per meter cube. Okay. तो अगर इस आइस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
तो जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना रहता है उसकी डेंसिटी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर, विच इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इफ़ यू सॉल्व दिस फ्रैक्शन तो हमें निश्चित तौर पर, चूंकि नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो एक से कम ही मिल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, तो हमारा आंसर आया 0.92। इसका मतलब देखो, इसका भी एक मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि एज इट इज 0.92, इट मीन्स दैट 92% आइस रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर। ये इसका मेन मीनिंग है बच्चों, रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर। जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है उस सब्सटेंस का उतना ही हिस्सा पानी में डूबेगा। जैसे 0.92 आया तो उसका 0.92 पार्ट, 0.92 फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड इन वाटर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.92 इज द फ्रैक्शन, सो इन परसेंटेज यू मल्टीप्लाई इट बाई 100, सो इट इज 92%। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे बात हुई कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज से दिस इज से 400 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर इस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा जाए तो वी वुड बी राइटिंग एज 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ले दे के केवल 0.4 ही आया। मीन्स आउट ऑफ वन ओनली 0.4 फ्रैक्शन इज सबमर्ज्ड। 0.4 का 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो इन परसेंटेज वी आर हैविंग 40%। सो 40% सब्सटेंस रिमेन्स सबमर्ज्ड, रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर। केवल 40% हिस्सा ही जो है उसका पानी में डूबा रहेगा, बाकी बाहर रहेगा। देखो कितने काम की चीज है। ये तो पता चलता ही है कि कौन डूब रहा है और कौन तैर रहा है, ये भी पता चलता है कि कितना डूब रहा है, कितना बाहर है या पूरा ही डूब गया। अगर मान लीजिए ऊपर कह देते 1200 है या 2000 है या 1500 है, 1000 से कुछ भी ज्यादा होता। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मीन्स ग्रेटर देन वन। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा हुई तब क्या होगा, डूब जाएगा, पूरा ही डूब जाएगा, 100% डूब जाएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से 0.4 है, एक से कम है, तो ये तो तय हो गया कि इसको तैरना है। लेकिन ये भी तय हो गया, तैरेगा तो, लेकिन इसका 0.4 पार्ट जो है वो पानी के अंदर रहेगा, 0.6 हिस्सा जो है या 60% ऑफ द पार्ट रिमेन्स आउटसाइड द वॉटर। सो दिस हाउ अ ब्यूटिफुल दिस पैरामीटर इज। देखो एक और करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के प्यारे बच्चों। क्या है जी तीसरा? जैसे ये बच्चों जो गोल्ड होता है तो इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट 19,300 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर कोई कहे कि ठीक है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड की बताइए, तो कैसे करेंगे? गोल्ड की डेंसिटी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो वाटर की डेंसिटी ही चलती है। सो दिस इज 1000। सो इफ वी सॉल्व दिस फ्रैक्शन इट इज 19.3, तो ये एक से लगभग 20 गुना बड़ा है। तो गोल्ड जो है पानी की अपेक्षा कितना भारी है, तो नेचुरली क्या है, इफ यू पुट आर्टिकल मेड ऑफ गोल्ड इन टू द वॉटर इज डेफिनेटली गोइंग टू सिंक, ये डूबना ही डूबना है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जो गोल्ड है इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वॉटर। This is completely submerged in water. So, bachcho, this was all about the
स्पेसिफिक ग्रेविटी. दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी. डन. तो अगला हमें तुम्हें वेपर डेंसिटी पढ़ाना है. हाँ जी, हाँ जी. किसी का माइक खुला है, बंद कर लें. पीछे हो गया, पीछे. थोड़ा जल्दी लिखो. हाँ जी. क्या करना है पता करके? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इस सवाल की, न जवाब की. होता होगा कुछ, कभी नहीं पूछा जाएगा. हाँ, वो कभी नहीं पूछा जाएगा, दिया रहता है एग्जाम में. एयर जो है ना प्यारे बच्चों, वो हर मोहल्ले की अलग होती है, कभी नहीं पूछेंगे एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब एयर की डेंसिटी, क्योंकि वो तो हर जगह की अलग अलग है. तो दिया रहेगा एक क्वेश्चन एग्जाम में. ओके, अब बात करते हैं. अब बच्चों, वैसे तो पढ़ना में वेपर डेंसिटी है, उससे पहले एक काम और कर लेते हैं. हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ डेंसिटी ओवर टेम्परेचर एंड प्रेशर. बात हुई थी ना कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस पे एयर हो, फलाने डिग्री सेल्सियस पे ये हो, तो डेंसिटी का टेम्परेचर प्रेशर से क्या संबंध है? ओवर टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले एसी से निपट लेते हैं. देखो भाई क्या होता है. बच्चों, एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, किसी भी गैस के लिए वो वैलिड रहता है अगर उसको आइडियल गैस अज्यूम किया जाए. सो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ये एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन है. पीछे भी किसी लेक्चर में शायद मैंने, हाँ मुझे याद आ गया, बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एक लीटर गैस जो है, सॉरी, एक वन मोल गैस हैज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी, देन वी आल्सो यूज दिस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी. अब देखो, इसी को यूज करके हम लोग डेंसिटी का डिपेंडेंस टेम्परेचर प्रेशर पर बताएंगे. कैसे? तो भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया, अच्छी बात है. इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है जरा देख लेते हैं. P होता है प्यारे बच्चों प्रेशर, V क्या है? V है अपना वॉल्यूम, ठीक है. N क्या है? N है अपना मोल, ठीक है. T क्या है? T होता है टेम्परेचर, लेकिन केल्विन में, ठीक है भाई. N क्या है? N तो हो गया, अच्छा ठीक है. R क्या है? R हो जाता है गैस कांस्टेंट, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. अब ये PV इक्वल टू NRT का जो इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो. कैसे? जो N लिखा है, विच इज नंबर ऑफ मोल्स, ये N क्या होता है? मोल्स क्या हो जाता है? सो दिस मोल इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. दिस N इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. दिस W इज रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ गैस. And this capital M is representing molar mass of gas. अच्छी बात, ठीक है भाई. Now you shift this mass to the left side in denominator. तो क्या हो गया भाई? या mass को नहीं shift करते हैं, volume को right side shift कर देते हैं और molar mass को left shift कर देते हैं. तो हो गया P capital M, this is equal to W by V RT. PM इक्वल टू W by V RT. अब ये W by V क्या है? यही तो डेंसिटी है, ये मास है, नीचे वॉल्यूम है. सो मास बाई वॉल्यूम इज द फिजिकल क्वांटिटी विच वी नो एज डेंसिटी. तो यहां से जो रिजल्ट आया प्यारे बच्चों, वो बड़ा काम का है. क्या काम का है? PM इज इक्वल टू DRT. PM is equal to DRT.
पीएम इक्वल टू डी आर टी में जो जो पैरामीटर्स हैं वो तो आप सारे समझ ही गए किसका क्या मतलब है। अच्छा, ये जो भी रिलेशन आप देख रहे हैं डेंसिटी का, डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, सो दिस स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर अ गैस। व्हाई? क्योंकि हम लोग बच्चों आइडियल गैस, इसी गैस के लिए ही वैलिड होती है इक्वेशन। तुम कहोगे लोहे के लिए वैलिड हो जाए, पानी के लिए वैलिड हो जाए, उसके लिए वैलिड नहीं है। दिस इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो बच्चों डी है वो क्या है? दिस डी इज डेंसिटी ऑफ गैस, ये गैस की डेंसिटी है। अच्छी बात। अब किसी गैस का ये जो मोलर मास कैपिटल एम है वो तो कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन है, उसका मोलर मास तो आपने कह दिया सर 32 ग्राम, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। और ये जो आपका गैस कांस्टेंट है, इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ये भी हमेशा फिक्स रहता है। और डेंसिटी की तो बात ही कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो अब बच गया ये जो डेंसिटी है वो किस पर डिपेंडेंट हुआ, तो क्या क्या वेरिएबल है? सो देयर आर टू वेरिएबल टर्म्स हियर, फर्स्ट इज प्रेशर, सेकेंड इज टेम्परेचर। तो किसी भी गैस की डेंसिटी वेरिएबल होती है प्यारे बच्चों, बदलती रहती है। कैसे बदलती है? प्रेशर टेम्परेचर बदलोगे तो भी बदल जाएगी। अब कोई पूछे सर हवा की डेंसिटी बताइए 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर वो भी कई तरह की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द हवा। ठीक, तो किसी भी गैस की डेंसिटी बताने से पहले ये दो जानकारी होनी जरूरी है कि वो किस प्रेशर पर है और किस टेम्परेचर पर है, देन ओनली यू कैन आंसर अबाउट द डेंसिटी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई अपना जो रिजल्ट आया, दैट्स आई एम राइटिंग अगेन एंड दैट इज पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। इस रिजल्ट से एक स्टेटमेंट बनता है, उसको मैं जरूर यहां पर ऐड करना चाहिए। दैट स्टेटमेंट इज दैट, सो फॉर अ गैस, अगर हम एक गैस की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इस गैस का जो मोलर मास, इट्स मोलर मास, जिसे कि हमने इस इक्वेशन में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज फिक्स्ड, तो फिक्स्ड ही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आर चूंकि गैस कांस्टेंट है तो वो भी फिक्स होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये भी फिक्स हो गया। तो फिर अब चूंकि ये कैपिटल एम और कैपिटल आर दो पैरामीटर फिक्स्ड हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से गैस की डेंसिटी बदल सकती है। यही बात हमें सीखनी है, दैट डी, डी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस कैन बी चेंज्ड एज प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंज्ड, एज प्रेशर एंड टेम्परेचर इज चेंज्ड। तो टेम्परेचर और प्रेशर जैसे बदलते हैं वैसे ही डेंसिटी भी बदल सकती है। तो एक तो ये बात हुई। अब बच्चों जैसे मान लीजिए हमें दो गैसेस दे दी, से वी आर गिविंग टू गैसेस, टू डिफरेंट गैसेस, एंड बोथ द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब क्या होगा? तब क्या होगा, देखें क्या होता है। ऐसा है कि से टू गैसेस आर गिवन, टू गैसेस आर गिवन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस अपने को दी हुई, तो उन दोनों गैसेस के लिए अगर हम ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखें तो कैसे कैसे लिखेंगे? सो फॉर द फर्स्ट गैस
this equation would be Pm1 is equal to D1RT. So this is for gas 1. Now for second gas. So this would be Pm2, this is equal to D2RT. So this is for gas 2. This is first equation and this is second equation. अब हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, दिस प्रेशर विल गेट कैंसल, दिस कैपिटल आर विल गेट कैंसल्ड एज वेल एज दिस कैपिटल टी विल गेट कैंसल्ड. तो अगर हम फर्स्ट बाई सेकेंड करते हैं तो हमें एक बहुत ही साधारण सा रिलेशन मिलता है, दैट इज एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगले पेज पे थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, या चलो यहीं पर कर देते हैं, क्या अगले पेज पे जाना. तो ये बच्चों बहुत काम का रिलेशन, ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन दरअसल हमें दोनों गैसेस की डेंसिटीज का रेशियो इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द मोलर मासेस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ध्यान रहे कि कब होता है, कोई कहे कि भाई दो अलग अलग गैसेस हैं उनकी डेंसिटीज का रेशियो उनके मोलर मास के रेशियो के इक्वल कब रहेगा, तो आप कहेंगे ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हो, तब सर ऐसा हो सकता है. या यूं कहें कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हो तब ऐसा हो सकता है. अच्छा हम कहें कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी मतलब एम वन बाई एम टू डी वन बाई डी टू हो जाए और दोनों गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग हो जाए, कैसा हो सकता है भाई. एक बात तो ये रही कि दोनों गैसेस सेम प्रेशर पर हैं, सेम टेम्परेचर पर हैं, तब तो ये 100% ट्रू है दैट रेशियो ऑफ डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मोलर मासेस. नाउ देयर इज माय अनदर क्वेश्चन, क्या नहीं ऐसा करते हैं कि ये जो प्रेशर और टेम्परेचर हैं दोनों के सेम नहीं है, प्रेशर भी दोनों का अलग अलग है, टेम्परेचर भी दोनों का अलग अलग है, तब भी क्या डी वन बाई डी टू एम वन बाई एम टू हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखो करके दिखाते हैं. लेकिन अगर दोनों का प्रेशर सेम है दोनों का टेम्परेचर सेम है तब तो ये पक्का हो नहीं है, लेकिन अगर अलग है तब भी हो सकता है लेकिन तब नहीं भी हो सकता है. देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे होगा ये बच्चों, यही सब बारीकी सीखनी है तुम्हें इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड रैंक और यू वॉन्ट टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज, वेदर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग स्ट्रीम और मेडिकल स्ट्रीम, यू नीड टू शार्पन योर स्किल्स, शार्पन योर माइंड्स, तभी होगा ना. चलो तो एक बात तो ये तय हो गई, क्या बात तय हो गई, ये बात फिक्स हो गई कि इफ टू डिफरेंट गैसेस आर एट सेम प्रेशर, आर एट सेम प्रेशर पी एंड सेम टेम्परेचर कैपिटल टी, सेम टेम्परेचर कैपिटल टी, तब तो ये पक्का है कि दोनों गैसेस की जो डेंसिटीज का रेशियो है वो उनके मोलर मासेस के रेशियो के बराबर आएगा, तब तो इसमें कोई दाग नहीं है, तो एकदम फिक्स हो गया. अब कोई कहे अच्छा ठीक है इतनी जानकारी तो हमें पता ही है, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई बताइए क्या सवाल है आपके. सवाल ये है कि अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर ना हो तब क्या होगा, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस डिफरेंट, अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर अलग है तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, तब कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं. कैसे जरा समझो, पहले तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं यहां लिखता हूं. सो द बेसिक फॉर्मूला इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी. फाइन, अब भैया हमें मतलब है, अब बात हुई कि भाई
गैस वन की चलिए बात करते हैं, गैस वन की बात करते हैं। तो गैस वन के लिए से प्रेशर इज पी वन, टेम्परेचर इज टी वन, मोलर मास इज एम वन, ओके, एंड ऑफ कोर्स डेंसिटी इज टी वन, डन। चलो गैस टू के लिए भी देख लो। तो ये जो गैस टू है इसका प्रेशर है से पी टू, इसका टेम्परेचर है टी टू, इसका मोलर मास है एम टू और इसका डेंसिटी है डी टू, ठीक। अब ये दिया हुआ है कि ये जो पी वन है वो पी टू के बराबर नहीं और जो टी वन है वो टी टू के बराबर नहीं, तब बताइए डेंसिटी और मोलर मास में क्या संबंध। बहुत आसान बच्चों, कैसे? गैस वन के लिए क्या लिखोगे? गैस वन के लिए लिखोगे पी वन एम वन दिस इज इक्वल टू डी वन आर टी वन। फॉर गैस टू दिस इक्वेशन वुड बी पी टू एम टू दिस इज इक्वल टू डी टू आर टी टू। अब अगर हम पहली और दूसरी को कर दें आपस में डिवाइड, क्या परिणाम पा रहे हैं? पहली दूसरी को डिवाइड करने से जो परिणाम मिल रहा है हमें वो ये मिल रहा है दैट P1 वन बाई पी टू एम वन बाई एम टू दिस इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू एंड टी वन बाई डी टू, ठीक है, ये मिल गया। अब भाई कोई कहे कि ठीक है सर P1 P2 आप अलग अलग लिखना चाह रहे हैं अलग अलग लिखिए, T1 T2 को भी चलिए अलग अलग लिखिए, लेकिन एक काम कर लीजिए ना कि P1 P2 का जो रेशियो हो वही रेशियो T1 T2 का भी हो जाए। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। अगर P1 P2 का जो रेशियो है वही रेशियो T1 T2 का हो जाए तो ये निपट लेंगे दोनों साइड से, और ये अगर निकल लेंगे दोनों साइड से तो फिर से D1 by D2 M1 by M2 होगा, होगा कि नहीं? तो अगर P1 P2 P1 by P2 is equal to T1 by T2 हो जाए, जैसे हमने कहा भाई प्रेशर है दो, ये है तीन, दो एटीएम तीन एटीएम, एंड दिस इज 200 केल्विन दिस इज 300 केल्विन, सो प्रेशर इज ऑल्सो डिफरेंट, टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफरेंट, स्टिल दिस डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू इफ इफ दीज टू आर सेम, दीज टू रेशियोज आर सेम, पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू। लेकिन अगर ये अलग है और पी वन बाई पी टू और टी वन बाई टी टू भी अलग अलग है, इसका रेशियो अलग है इसका रेशियो अलग, तब ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, कई बार एक स्टेटमेंट जो एक तरफ से सही होता है दूसरी तरफ से गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम कहें कि भाई कि अगर दोनों गैसेस एक ही प्रेशर पर हैं और एक ही टेम्परेचर पर हैं तो उनकी डेंसिटीज का जो रेशियो है दैट इज द रेशियो ऑफ देयर मोलर मासेस, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। अब इसको उल्टे तरफ से कहें, अगर भाई दो गैसेस की डेंसिटीज का रेशियो उन दोनों के मोलर मासेस के रेशियो के बराबर है तो वो निश्चित तौर पर सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर होंगे। ये बाह्यात स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, जरूरी थोड़ी है भाई, यहां भी तो बराबर हो सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है, इन बातों का ध्यान रखना है बच्चों। चलो, तो भाई बात हुई कि अगर इफ ये जो प्रेशर्स का रेशियो है दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, देन तब क्या होगा? डेंसिटीज का रेशियो मोलर मासेस के रेशियो के बराबर होगा, भले ही ये पी वन पी टू डिफरेंट हो, उल्टा कुछ गड़बड़ लिख दी, टी वन और टी टू है ना, वी की तो जरूरत ही नहीं है। So, अगर ये प्रेशर्स का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल हो तो डेंसिटीज का रेशियो मोलर मासेस के रेशियो के बराबर रहता है। तो ये बात हुई, तो हमें ये सब छोटी बड़ी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए, तो ये तो बात रही कि भाई डेंसिटीज का रेशियो और मोलर मास का रेशियो ये कब बराबर होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू वेपर डेंसिटी, जो तीसरा आर्टिकल है फॉर दिस लेक्चर। सो द थर्ड आर्टिकल इज वेपर डेंसिटी।
तो जैसा कि शुरू में ही हम लोग चर्चा किए कि जो वेपर डेंसिटी भी है वो भी एक खास किस्म का रिलेटिव डेंसिटी ही है ना, कुछ नया नहीं है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी है, ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी है। लेकिन ये जो बच्चों वेपर डेंसिटी होता है ना, ये गैस के लिए डिफाइंड होता है। सो दिस इज डिफाइंड फॉर गैस ओनली। मतलब ये चूंकि रिलेटिव डेंसिटी तो है लेकिन ये लिक्विड सॉलिड के लिए काम नहीं करती है, गैस के लिए ही डिफाइंड है। तो क्या है ये रिलेटिव डेंसिटी, देखो सॉरी ये वाली वेपर डेंसिटी क्या है, तो उसको वीडी लिखते हैं। सो व्हाट इज वीडी? सो वीडी फॉर एनी गैस इज डेंसिटी ऑफ गैस और उस गैस का टेम्परेचर प्रेशर दिया है ना। सो दिस इज द डेंसिटी एट टी एंड कैपिटल पी, टेम्परेचर प्रेशर कुछ फिक्स है उसका ना। अब चूंकि है तो रिलेटिव डेंसिटी, तो एक डेंसिटी नीचे भी आएगी। तो नीचे बच्चों जो डेंसिटी है वो डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की, और वो हाइड्रोजन भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर मेंटेन होना चाहिए, यही मतलब है। तो किसी भी गैस के लिए व्हाट इज वेपर डेंसिटी? सो फॉर एनी गैस इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस टू द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड बोथ द गैसेस दैट गैस एज वेल एज हाइड्रोजन आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात ध्यान में रखें कि दोनों गैसेस जो है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर मेंटेन है। तो ये हो गई वेपर डेंसिटी। अब बच्चों एक बात और समझो, अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिखें, क्या लिखें? इस फॉर्मूले को हम लिखें वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टू। इसको मैंने लिखा मोलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टू, तो भी सही है। इसको हमने लिखा मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टू, स्टिल इट इज ऑल राइट। अब बच्चों देखो ये टू कैसे आ गया। टू ऐसे आ गया क्योंकि अभी क्या सीखे थे, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहे दोनों गैसेस का तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, दैट डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू। अब वेपर डेंसिटी में तो नीचे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 यूनिट होता है, बस इतनी सी बात है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड। हमेशा आप पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आज उसका कारण भी जान लिए क्यों 2 आता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी में ये जो डेंसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में होती है प्यारे बच्चों। और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है तो डी वन बाई डी टू इज एम वन बाई एम टू, और एम टू क्या हो गया हाइड्रोजन का 2 यूनिट्स। सो दिस इज द वेपर डेंसिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेपर डेंसिटी। चलो बच्चों 2-3 आसान आसान से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो जो बातें पढ़ी थोड़ी पक्की हो जाएंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशियो ऑफ, हमें रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस। फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू गैसेस विच आर एट दोनों के टेम्परेचर दे दिए बच्चों, या टू गैसेस। चलो एक काम करते हैं कि दो गैसेस को अज्यूम ही कर लेते हैं। सो फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस, एक्चुअली दो गैसेस हैं। पहली गैस है बच्चों ऑक्सीजन O2, सो दिस इज गिवन एट से 20 डिग्री सेल्सियस, और से अनदर गैस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज गिवन एट से 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, और दोनों का प्रेशर भी कुछ दे रखा है, सो बोथ आर एट
1 एटमॉस्फियर प्रेशर, बोथ आर एट 1 एटमॉस्फियर प्रेशर, दोनों ही गैसेस एक ही प्रेशर पर हैं। देखें क्या सॉल्यूशन होगा। तो अभी पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई जो D1/D2 होता है वो M1/M2 होता है। एक काम करते हैं कि O2 गैस को हम लोग मान लेते हैं, इस O2 को मान लेते हैं से दैट दिस इज गैस 1, और हाइड्रोजन को अज्यूम करते हैं दैट दिस इज गैस 2। ओके, तो गैस 1 है O2, तो इससे ये भी पता चला कि अगर हम M1 की बात करें यानी मोलर मास ऑफ द फर्स्ट गैस, सो दिस वुड बी 32, और चूंकि ये गैस 2 है हाइड्रोजन, तो इसका मोलर मास हो गया 2। अब पूछा गया कि भाई डेंसिटी का रेशियो बताइए। अरे सर इसमें क्या बात, डेंसिटी का रेशियो इतनी देर से तो बता रहे हैं आप, सर ये तो M1/M2 ही होता है, तो अगर D1/D2 करना हो तो M1 है सर 32 और M2 है 2, सो दिस इज 16 आंसर, दिस इज 16 एंड दिस वुड बी द आंसर, हो गया सर, इसमें क्या दिक्कत है। तो छोटा सा काम था हमारे लिए। बच्चों गलत हो गया, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? दिस आंसर इज कंसीडर्ड एज रॉन्ग। वाई? अब भैया ये इसलिए गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब क्या हो, टेम्परेचर दोनों का सेम हो, प्रेशर भी दोनों का सेम हो, या फिर दोनों के प्रेशर का रेशियो और दोनों के टेम्परेचर का रेशियो सेम हो। बताए थे कि नहीं अभी, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर तो बच्चों दोनों का सेम है और टेम्परेचर है अलग अलग, ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। Why it is not applicable? There is a logic. If you consider T1, which is temperature for oxygen gas, so this is 20 degree Celsius. लेकिन हम लोग को तो बच्चों केल्विन में यूज करना रहता है, तो 273 एड कर दिए, सो नाउ दिस इज 293 केल्विन। ओके, अब बात करी जाए कि भाई ये जो हाइड्रोजन है इसका भी टेम्परेचर बताइए, तो बताना क्या है, तो लिखा ही हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, सो दिस इज 303 केल्विन, सो दिस इज फॉर हाइड्रोजन। नाउ डेफिनेटली, अच्छा P1 P2 भी देख लो, तो यार ये जो P1 और P2 है ना, ये दोनों ही 1 atm है, ये तो बराबर ही है। तो P1 P2 का रेशियो तो 1 है, लेकिन T1 T2 का रेशियो तो 1 है नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा। अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आप P1 P2 सेम ही हो गए, T1 T2 भी सेम हो गए, तब भी एप्लीकेबल है, तब रेशियो दोनों का 1 हो गया। लेकिन जो जनरल है वो क्या है, P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2, देन यू यूज दिस फॉर्मूला, तो विच इज नॉट द केस हियर। तो फिर प्यारे बच्चों क्या करें, तो पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कैसे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग यूज करने वाले हैं P1M1 इज इक्वल टू D1RT1, दिस वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज P2M2 इज इक्वल टू D2RT2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। Now, if we divide this first equation by second equation, तो हमारे पास result आता है P1/P2 into M1/M2, this is equal to D1/D2 into T1/T2, R और R तो cancel ही हो गए। अच्छा बच्चों pressure भी तो यहाँ cancel ही हो रहे हैं, क्योंकि दोनों same ही है। तब फिर क्या रिजल्ट हुआ, M1, सो व्हाट वाज M1, सो M1 वाज 32, M2 वाज जस्ट 2, एंड दिस इज D1/D2 और T1/T2, सो T1 कितना था 293, T2 वाज 303, सो
This is 16. So the ratio of densities is how much? This is 16 into 303 divided by 203. So this would be considered as your final correct accurate answer. तो बच्चों ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है. अब रट लिया कि भैया डेंसिटी का रेशियो मोलर मास का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो मोलर मास का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो मोलर मास का रेशियो, वहाँ डब्बा गोल हो गया. ध्यान तो रखना ही है, समझ के ध्यान रखना है बच्चों. याद ही नहीं रहेगा तो अप्लाई कैसे करोगे. लेकिन याद तो रखो, लेकिन समझ के ध्यान याद रखो कि कुछ इधर उधर भटके तो आप भी उसी के रास्ते भटक जाए. वो जैसे चाहते वैसे करें, मिसकंसेप्शन ना हो. चलो, सो लेट्स हैव सेकंड क्वेश्चन. क्या है सेकंड क्वेश्चन? पूछा गया कि फाइंड मास ऑफ से 1000 ml, से 1000 ml सॉल्यूशन हूज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2. ठीक है, सो से दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब बच्चों देखो क्या है, एक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी. अब पूछा उसका मास बताइए कैसे किया जाए. कैसे भाई मास बताएं? तो अब तुम्हें थोड़ा सोचना होगा. देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है? सो द वॉल्यूम इज 1000 ml. दिस वॉल्यूम इज 1000 ml. अच्छा, मास की रिक्वायरमेंट है, तो किसी तरह का डेंसिटी पता चल जाती तो हम मास आराम से बता पाते. तो व्हाट इज द टारगेट ऑफ आर क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड डेंसिटी. हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें डेंसिटी बतानी है सॉल्यूशन की, बस हमारा काम समाप्त. हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की डेंसिटी तक पहुंचना है भाई. तो कैसे पहुंचे? ये दिया हुआ ना डेंसिटी का चाचा, स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी से डी है. सो डेंसिटी, फिर से बताते हैं, मान लेते हैं बच्चों कि इसकी डेंसिटी है डी. तो कैसे पहुंचे डी तक? तो दिया हुआ है ना ऊपर स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? सो दिस इज डी डिवाइडेड बाय, अब यहां पर डी डिवाइडेड बाय अगर हम मान लीजिए 1000 कर दें. डी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया हुआ है ना, तो 1000 कर दें मतलब केजी पर मीटर क्यूब में हो गया, तो उसकी जरूरत नहीं है. ml में दिया हुआ है ना, तो आप 1 रखिए, 1 ग्राम पर ml. ये बच्चों किस में है? ये है वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पर. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो कोई यूनिट होता नहीं है, मतलब जो नीचे यूनिट है वही यूनिट ऊपर भी है. और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2. तो यहां से रिजल्ट आया दैट d इज इक्वल टू 2 × 1, दैट इज 2, एंड द यूनिट ऑफ d इज ग्राम पर ml. तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन जिसकी बातचीत की जा रही है सवाल में, उसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है. अब उसका मास बताना है, तो मास क्या हो जाएगा भाई? मास हो जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम इज 1000 ml, डेंसिटी इज 2 ग्राम पर ml, सो द मास इज 2000 ग्राम. दिस इज द आंसर. ये हो गया प्यारे बच्चों तुम्हारा आंसर. तो बस स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी को पता है कि दैट इज ग्रेविटी, सॉरी डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस विच इज 1 ग्राम पर ml, एंड वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन.
ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. सो क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल. क्वेश्चन में पूछा गया कि डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू एयर, और ये है से 1.2, ये गिवन है. ओके, देन फाइंड मोलर मास ऑफ गैस. बच्चों क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि जिस गैस के लिए एयर के रिलेटिव में ये डेंसिटी दी हुई है उस गैस का मोलर मास बताइए, मोलर मास ऑफ गैस. अच्छा, और एक आपकी मदद कर दी गई है, मदद ये कर दी गई है कि जो मोलर मास है एयर का, दैट मोलर मास इज गिवन टू यू, दैट इज 29 ग्राम. आप बच्चों उसको याद भी रख सकते हैं, एयर क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. तो हम लोगों ने एक लेक्चर पीछे किया था ना एवरेज मोलर मास का, तो अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ दीज गैसेस वी कैन. ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ओके ओके, तो बेटा आपका नेट थोड़ा सा कमजोर हो गया, इसका मतलब आप लॉग आउट होके लॉग इन हो जाइए. बच्चों ये जो एयर है, दिस इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. सो हाउ वी कैलकुलेट दिस एवरेज, दिस मोलर मास, दिस इज एक्चुअली एवरेज मोलर मास. तो एक मिक्सचर हो, गैसियस मिक्सचर हो, उसमें एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. तो आप उसको याद भी रख सकते हैं, एयर की कभी भी अगर मोलर मास की रिक्वायरमेंट हो तो ये यूज दिस 29 ग्राम. ओके, चलो करते हैं सॉल्यूशन. तो भाई अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी गैस की दे रखी है एयर के रिस्पेक्ट में, मींस दिस इज रिलेटिव डेंसिटी. सो व्हाट इज दिस, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर. अच्छा, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं. तो अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है बच्चों, व्हेन नथिंग इज गिवन टू यू, यू कंसीडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब बच्चों दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर हो गया, तो डेंसिटीज का रेशियो प्यारे बच्चों क्या हो गया, मोलर मास के रेशियो के बराबर. सो दैट इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एयर. अब मोलर मास आपको बताना है किसका, गैस का. सो दिस रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन टू यू एज 1.2, एंड दिस इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एयर, दिस इज 29. बस हो गया. तो जो मोलर मास आया आपका वो कितना आ गया, यू मल्टीप्लाई 29 बाई 1.2, दिस मच ग्राम. तो एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी है कि as nothing is given about temperature and pressure, तो हमने क्या कर लिया, we assumed that both are same. हमने क्या कर लिया, हम ऐसे ही करेंगे, अगर कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, if nothing is given to us, then we simply assume that both are same. So this is the answer. Done. So with this question, everything is over for relative density, specific gravity, and vapor density. Thank you, प्यारे बच्चों.